सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। सॉरी इसके लिए, सर्दी हो रही है तो मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ बिग बॉस मीम्स और इंडियन मीम्स पर, और भी फनी मीम्स जो हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मीम्स वैसे फनी होते हैं और लंबी वीडियो है, तो ज़्यादा किसी समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा रिएक्शन क्या होता है इसके ऊपर। सो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या नाम बताए? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। क्या नाम बताया आपने? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गए हैं? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। तेरे वर्क एक्सपीरियंस का मैं मजा लेना चाहता हूँ। तेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या है? मार पिटाई। मार पिटाई तेरा एक्सपीरियंस है, राइट? शुरू हो जा बेटे, शुरू। टकले के खोपड़े हथौड़े फोड़ दीता है। हम में से किसी का नाम ले ले। हमारे तीनों बेटा सिग्मा रूल है, हंगा मत से लियो कभी। इनके साथ तो फिर और आना चाहिए ना, इसलिए नहीं नहीं हर सीजन में आपको बुलाएंगे। हाँ अरे वाह, आप बोल दी। और तुरंत इसके बाद ही शायद तक सुनने माया दिन के ऊपर कुछ केस चल गया है एलविश यादव के ऊपर। आपको पता हो तो, क्योंकि बिग बॉस के साइड जल्दी निकल गए थे न्यूज जो मैंने देखे हिसाब से, और अभी केस चल ही रहा है इनको, बस सांप के नशों का। को तो बुलाने पड़ेगा कुछ भी होगा तो। हाँ यासीन एक बार नहीं बुलाएंगे, चार पांच बार बुलाएंगे। चार पांच बार एक सीजन में? वाओ कितने अच्छे हैं लेकिन आप। पर लेकिन दिखाएंगे नहीं क्योंकि तुम आगे बकवास करोगी। अच्छा मंगरू जी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या अभी भी सिंगल हो? ये कौन से न्यूज चैनल वाले हैं जो दूसरों से अपनी पर्सनल लाइफ के सवाल पूछते हैं, और ना है तो तू बन जा या चाहे धमका कर सके। होती है, सही कह रहा हूँ ना? अगर गलत कह रहा हूँ बताइए। ये बात तो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? बहन जो पर्सनल लाइफ है कि सब चीजें खोल के बताएं यहाँ पे। मैं अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखता हूँ। सही है। इतना प्राइवेट रखते हो? इतना कि जिससे प्यार करता हूँ आज तक उसे भी नहीं बता। क्योंकि बेटा सही जवाब। आप वर्ल्ड कप का इम्पोर्टेंट मैच देखना चाहते हैं, लेकिन आपकी जानू बाहर जाना चाहती है मैच देखने, तो आप क्या करोगे? नहीं मैच देखने नहीं, घूमने जाना चाहती है आपके साथ, मूवी देखने, लेकिन आप क्या करोगे? मैं उसे छोड़ दूंगा। सिंगल रहना चाहता हूँ, सिंगल रूल। बचपन में भी आप ऐसे ही थे कि हंसते हंसते खेलते वाले? हाँ हाँ सर, मैंने इसको तो सर टेंशन ना ली, बस जो नु समझ लो दिमाग में ब्रजवासा है ना? क्या हो रहा हो? हाँ। पापा मरगो मरगो तो मरगो। चुका बाप के ऊपर अच्छू भी चल रहा है। शरद कुमार राठी है, भावेश ठक्कर है और भावना सोलंकी। भावना सोलंकी शरद कुमार राठी को फोन करिए। शरद कुमार राठी जी को मेरा गलत कर दिया। ये आपके परिवार के मित्र है, आपके पर्सनल फ्रेंड? नहीं सर, ऐसे दूर से कांटेक्ट करके अरेंज किया है वीडियो लाइफलाइन के लिए। अच्छा, या मीम का वो सितंबर 5, 2016 लाइव बिफोर 5 मिलियन व्यूज व्हेन जियो लॉन्च इन इंडिया। आप बताएं आपके साथ हमारे डोरेमोन में गुजरी 2020 में तक लाइफ चेंज हुई हमारी, क्योंकि मोबाइल जब आया। एक्सक्यूज मी, खूबसूरत लड़कियों के लिए हील्स हैं? आपकी दोस्त के लिए चाहिए? अरे मेरी वरी ने कुछ शक नहीं, सही मारो भी बजट दिया चले सरकारी चले लगे जैक नहीं मोटे जैक नहीं। डिंडोरा के सीजन 2 का किस पर जा रहा है? उसका नाम अपने फोटो के नीचे लिखिए और अपलोड बटन दबाइए। ओके ये पहले देख चुका हूँ। गोटे गोटे की सब्जी। आंटी कट्टे की सब्जी होती है, गोटे की नहीं। किस पेड़ से तोड़े, पति के या ससुर के? दादी को बोला पता चला, दादी रात को तोड़ के डाली गोटे भाग से फिर जाके। शाहरुख शायद सिगरेट पीना छोड़ दे, छोड़ेंगे आप? नहीं पहले बताओ आपने सिगरेट छोड़ दी क्या? जी तो
और मैंने 15 साल पहले छोड़ी और मैं भी 50 सिगरेट पीता था, फिर भी मेरे बाल ज्यादा काले हैं देख लो। तारे का दोस्त था होता, मैंने डाई नहीं किया है। सही का सुपरमैन ऐसे हो गए बैटमैन। बैटमैन ट्रैफिक में फंसा हुआ है। तो गुजराती कुछ बता बैठा। आज तुम्हें इस बात का फैसला करना होगा राजा, तुम्हारी जिंदगी में मैं रहूंगी या तुम्हारा वो पागल भाई। खबरदार जो मेरे भाई को पागल कहा, और रही बात फैसले की तो सुन, तुझ जैसी हजार लड़की मैं अपने भाई पर कुर्बान करता हूँ, समझी? लड़की जाए लेकिन भाई ना। And I can do a proper bark also. Have you seen? Okay. जानवी कपूर है डॉग की, कैसी लगेगी आपको? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? शांत कराओ उसे। और क्या है, और क्या है? सर मुझे ये डाउट है कि पेपर हार्ड आया तो कितने मार्क्स में 95 परसेंटाइल प्लस बन सकती है, और आप दिन में कितनी बार? अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया प्रीत पटेल जी, आइए मिलके बात करते हैं, फिर साथ में लाते हैं। मध्य प्रदेश में एक लड़का 2 दिन से अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुका हुआ था। इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इतना तो चलता है। फोर थिंग्स टू नोट। 1, ये लड़का माइनर था, इसकी गर्लफ्रेंड शादीशुदा थी, ये शादीशुदा गर्लफ्रेंड के ससुराल में रुका हुआ था और उसका भाई बनकर रुका हुआ। फिर जब ससुराल वालों को शक हुआ कि गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है, तो उन्होंने पूछताछ की और भाई ने ले ली वैली। It's just an opening theme song, nothing too crazy about it. Sorry guys, मुझे समझ में नहीं आया, आप समझ में आए तो बताना। मेरा भी समझ में। So guys, ये थी मीम्स की वीडियो, बहुत छोटी लगी आपके साथ, देखता है इसलिए छोटी लगती है। सो ये थी मीम्स की वीडियो, अगर आपको मीम्स पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताना आपको मीम्स कौन से पसंद आए, और अगर आपको अपनी कोई सी मनपसंद मीम्स या वीडियो प्रोजेक्ट करवाना है तो मेरे कमेंट पर लिंक डाल दें, जो मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। और यही था, यहाँ पे खत्म होते हैं। और गाइस जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दिवाली आने से पहले कम से कम 100 तो सब्सक्राइबर होने चाहिए, यही कहता हूँ मैं। और ये कह गए बाय, आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आप सब सुरक्षित रहें और हैप्पी दिवाली आप सभी को, एंड बाय।